खूनी खेल विश्व प्रसिद्ध गोट मेले का आज आयोजन किया गया, जिसमें पांडुना और सावर गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हुए नजर आए। गोटमार मेले की वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। इस खूनी खेल की ये परंपरा का स्वरूप अभी भी नहीं बदला है। आस्था और परंपरा के नाम पर कई बार जिला प्रशासन के नजरों में ये खेल बौना भी साबित हुआ है। गोटमार मेले में इसके पीछे एक प्रेम प्रसंग कहानी है, जो ये सावरगांव और पांडुरना दो पक्ष है। सावरगांव की लड़की और पांडुरना का लड़का, इनमें प्रेम होता है। तो वो प्रेम प्रसंग के वो लड़की वाले लड़की को भेजते नहीं, तो वो लड़का लड़की को खींचते हुए लाता है, ये नदी के बीच तक लाता है। तो वो सावरगांव वाले लोग यानी वो खतरे मारते वो लड़के को, तो वो लड़के के बचाव में पांडुरना पक्ष के भी लोग जमा होते, तो वो भी फतरे मारते हैं। यानी ये फतरों की परंपरा, उसका ये है पुरानी कथा, कितने सालों से चला आ रहा है, यानी अगणित है, 400-500 कोई बता नहीं सकता परफेक्ट आंकड़ा। यानी ऐसा आप भी कभी खेले रहे हैं तो वहाँ खेलने गए? जी बहुत बार। कितने बार खेले? यानी जवानी में तो पूरे हर साल 5 पत्थर तो मारते ही थे। ये संपूर्ण मेले के क्षेत्र में धारा 144 भी लगाई गई है। ये खेल 10 बजे शुरू हुआ, शाम को ये समाप्त हुआ, और ये हर साल ऐसे ही सुबह 10 बजे शुरू होता है और शाम को समाप्त होता है। पांडुरना में गोटमार मेला चल रहा है और इसमें जो है पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। करीब 550 पुलिस कर्मचारी लगे हैं और 6 तरह की व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। एक सावरगांव की तरफ व्यवस्था है, दूसरी व्यवस्था पांडुरना की तरफ है, तीसरी व्यवस्था जो है नाकेबंदी की व्यवस्था है, चौथी व्यवस्था पार्किंग की है, पांचवी व्यवस्था पैदल पेट्रोलिंग की है, और इस तरह से जो है ये सारी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। मेडिकल टीम के साथ भी जो है, मेडिकल की भी लगभग 4 जगह जो है टीमें बनी हुई हैं, उनके साथ भी पुलिस कर्मचारी लगे हुए हैं। इसके अलावा करीब 4 ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है और करीब 8 वीडियो कैमरा भी जो हैं हमारे कैमरा में चला रहे हैं और संदिग्धों पर नज़र रखे हुए हैं हम लोग, और अभी तक शांतिपूर्वक जो है गोटमार मेला चल रहा है। सर कुछ ऐसे फंड वगैरह का भी उसके लिए भी कुछ ऐसे उसके लिए उसके लिए सिविल पार्टी में सिविल में हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं जो ऐसे लोगों पर नज़र रख रहे हैं जो गोफन चलाते हैं, और इसके अलावा जो है हमारे सूचना संकलन वाले कर्मचारी भी हैं, वो भी लगे हुए हैं और बराबर हम ऐसे लोगों पर नज़र रखे हुए हैं। वर्षों से इस खेल की परंपरा निरंतर जारी है। पत्थरों के इस खेल में सैकड़ों लोग घायल होते हैं। गोटमार मेले के पीछे कई रोचक कहानियां जुड़ी होने की भी संभावना बताई जाती है। गोटमार मेला में नीचे बीच में नदी है, नदी के दोनों तरफ गोटमार रहता है, एक तरफ सावर गांव है, उस तरफ 2 कैंप बने हुए स्वास्थ्य, और नदी के इस पार पांडुरना की तरफ भी 2 कैंप बने हुए हैं, और दोनों मिला के जो है लगभग 13 मेडिकल ऑफिसर हैं वहाँ पे, और 40 स्वास्थ्य कर्मी जो है सेवाएं देने के लिए दे हुए हैं, और 5 एम्बुलेंस उस एरिया में तत्पर खड़े हुए हैं उनकी सेवा करने के लिए। ये अभी तक मेले में गोटमार में कितने लोग घायल हुए हैं और उसके से सीरियस कितने हैं? अभी तक तो देखिए 2 प्रकार की इंजुरी होती है, एक सिंपल इंजुरी होती है साधारण, और दूसरा गंभीर प्रकृति। गंभीर प्रकृति की जो चोटें आई हैं उसे 4 लोगों को अभी तक नोटेड हुई है, और साधारण प्रकृति की जो चोटें हैं लगभग 30 लोगों की है, फाइनल फिगर अभी आना बाकी है। इसमें कोई गंभीर है जो नहीं अभी मतलब कि लाइफ थ्रेटनिंग तो एक भी नहीं है, नहीं ऐसा तो अभी तक। गंभीर को यहीं रखा गया है या बाहर नहीं रखा? अभी तक यहीं पर रखे हुए हैं, अभी उसके बारे में विशेषज्ञ डिसाइड करते हैं, फिलहाल तो अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है। मैं डॉक्टर नरेश गोनाडे, बीमो पांडुरना। पांडुरना से केसरी उजाला न्यूज के लिए दिलीप घोरमारी की रिपोर्ट।